Hi kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. Children, in India we have both the setups rural and urban. मतलब लोग यहाँ शहरों में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं और इंडिया के जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं. आज हम इंडिया के गांव के बारे में पढ़ेंगे. मतलब हमारे देश के गांव किस तरीके से बसते हैं, उनमें कैसे मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से गांव में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, गांव के लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सो आवर चैप्टर इज विलेजेस ऑफ इंडिया. ऑलराइट, विलेजेस ऑफ अवर कंट्री. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर लाइफ इन द विलेजेस. ठीक है, नेक्स्ट ग्राम पंचायत, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत एंड इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत. बट बिफोर वी बिगिन द चैप्टर लेट्स डू द रीट्राइव एक्टिविटी. हेयर इज अ विलेज सीन दैट हैज़ बीन शोन इन दिस ब्यूटिफुल पिक्चर. यू हैव टू राइट सम सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब इट. सी द रोड इज अ कच्चा रोड, बुलक कार्ट्स आर बीइंग ड्रॉन, लेडीज, विलेज लेडीज आर talking to each other, people are traveling on camels, then there are kacha houses with thatched roofs, right? So many sentences can be made. It's a beautiful scene which describes the village very beautifully. So aap jo hain acche se ise observe karenge aur uske baad aap yahan pe iske bare mein kuch lines likhenge. This is to be done by you on your own. Okay, now let's start the chapter. Villages are an integral part of our country. Early humans used to move from one place to another in search of food and shelter. आदि मानव जो था वो एक जगह से दूसरी जगह खाना और शेल्टर यानी अपना सर छुपाने के लिए और भूख मिटाने के लिए इधर से उधर भटकता रहता था जंगलों में. राइट, विद द टाइम दे लर्न टू डू फार्मिंग. दे रियलाइज दैट दे कुड ग्रो देयर ओन फूड बाय प्लांटिंग सीड्स. जब लोगों ने धीरे धीरे आदिवासी लोगों ने या आदि मानव अर्ली ह्यूमन बींग्स ने पहली बार सीखा कि जो वो खाना खाते हैं उनके जब वो बीज फेंक देते थे उन बीजों से नए प्लांट्स उगते हैं, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसका मतलब वो भी फूड ग्रो कर सकते हैं, है ना, वो भी खाना उगा सकते हैं. दे नोटिस दैट दीज प्लांटेड सीड्स ग्रू, trees and fruits grew on them. They learned that plants needed water and fertile soil to grow well. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि कोई भी पेड़ जो नदी किनारे या पानी के आसपास है वहाँ पे ज़्यादा इजीली उग रहा है. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी पेड़ को अच्छे से ग्रो करने के लिए, फलने फूलने के लिए मिट्टी की यानी फर्टाइल सॉइल की एंड वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Therefore, they started settling in the villages near the river. अब उन्होंने ग्रुप्स में सेटल करना शुरू कर दिया और नदी के किनारे जो है गांव बसने लगे. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया इंक्रीज्ड ओवर टाइम. आफ्टर सम टाइम दीज ग्रुप्स और पीपल फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज और विलेजेस. धीरे धीरे जब ये ग्रुप्स बड़े होने लगे और कई दिनों तक एक ही जगह पे रहने लगे तब इन लोगों ने विलेजेस या कम्युनिटीज फॉर्म करनी शुरू कर दी. ऑलराइट, तो हम अब पढ़ेंगे लाइफ इन अ विलेज. विलेज का लाइफ कैसा होता है, वहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते हैं. बच्चों, विलेज का लाइफ ना शहर के लाइफ से काफ़ी अलग होता है. वहाँ शहर से थोड़ा ज़्यादा शांति और चहल पहल कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, सादगी यानी सिंप्लिसिटी ज़्यादा है. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ आवर विलेजर्स आर स्मॉल. हमारे जो गांव हैं वो छोटे छोटे हैं, शहर की तुलना में वो काफ़ी छोटे छोटे हैं. अ फ्यू हंड्रेड पीपल लिव इन अ स्मॉल विलेज, यानी एक छोटे से गांव में 100 के आसपास लोग जो हैं रहते हैं. दीज विलेजेस हैव बोथ कच्चा एंड पक्का हाउसेज. अब इसमें कच्चे हाउस भी होते हैं और विलेज में जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग पक्का हाउस भी बना लेते हैं. Some villages are still not connected to other villages and towns through metalled road. यानी कि कुछ ऐसे गांव भी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, और अगर है भी तो कनेक्शन तो या तो नदी पार करके जाना होता है, पक्की सड़क नहीं है, या फिर कच्ची सड़क है.
All right. People have to travel on foot by bullock carts or tangas. या तो bullock carts से travel कर सकते हैं या फिर tanga के through travel कर सकते हैं. Some villages grow so large with time that they become cities. More than 60% of the Indian population lives in village. और कुछ गांव जब धीरे 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 गांव के members बढ़ेंगे, गांव size में बढ़ता जाता है, फाइनली एक टाइम के बाद वो डिस्ट्रिक्ट या शहर में बदल जाता है. ओके लेकिन आज भी इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 60% यानी मोर देन 60% पीपल लिव इन द विलेजेस. ओके विलेजेस आर पीसफुल, काम, क्वाइट एंड फुल ऑफ ग्रीनरी वेयर कैन वी कैन ब्रीथ फ्रेश एयर. वहाँ की हवा, वायु, जल सब कुछ बहुत शुद्ध है. ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है वहाँ, ज़्यादा पक्की सड़कें नहीं होती तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जा पाती, इसीलिए अभी भी जो शहर हैं उनके तुलना में गांव अभी भी प्रदूषण से मुक्त हैं. वहाँ का जीवन जो है बहुत ही शांतिपूर्ण है, सादगी है, सिंपल लिविंग है. ओके द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेव्ड रोड, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स. अब विलेजेस को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए वो हैं पक्की सड़क ताकि वो ट्रैवल कर सके एक से दूसरी जगह, स्कूल्स की ज़रूरत है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है और हेल्थ केयर सेंटर्स की ज़रूरत है ताकि बीमार पड़ने पे उनकी देखभाल हो सके. दीज आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज़. जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी इंसान को लाइफ को ठीक से जीने के लिए उन्हें हम सिविक एमिनिटीज़ बोलते हैं. द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. और जैसे स्टेट में या शहर में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देखभाल करती है, उसी तरह गांव में जो है इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है? ग्राम पंचायत के ऊपर. ठीक है, यानी कि किसी भी विलेज की जो पंचायत है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है कि वो गांव वालों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें यानी ज़रूरतों को पूरा करें. आइए ग्राम पंचायत को बेहतर तरीके से जानते हैं. देयर इज़ अ ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज ऑफ अवर कंट्री. हमारे हर एक गांव में एक ना एक ग्राम पंचायत है. समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज कैन हैव अ सिंगल पंचायत. यानी छोटा सा गांव है तो एक ही पंचायत होगा, अगर बहुत सारे विलेजेस या विलेज काफ़ी बड़ा है तो कई बार क्या होता है जो ग्राम पंचायत है वो मेंबर्स जो होंगे वो बढ़ भी सकते हैं. ठीक है, अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. ग्राम सभा के जो लोग हैं वो लोग ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. Every person in the village who is 18 years of age or above can vote in the panchayat election. यानी कि गांव का हर वो इंसान जिसकी उम्र या तो 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है वो सभी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में वोटिंग कर सकते हैं. See, this is the way जो हमारा ग्राम पंचायत काम करता है, कुछ इस तरीके से करता है. विलेज लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, फिर उससे आता है ब्लॉक लेवल तो उसमें आता है पंचायत समिति, और उससे ऊपर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ पे आ जाता है ज़िला परिषद. ठीक है, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच या प्रधान. जो मुखिया होता है गांव में, जो पंचायत में मतलब जो पंच होते हैं उनमें जो हेड होता है उसको हम या तो प्रधान बोलेंगे या फिर सरपंच बोलेंगे. He or she is elected by the members of Gram Panchayat. Gram Panchayat ke log hi inko elect karte hain. 1/3 of the elected members in every panchayat should be women. Har panchayat mein ek ya do aurte zarur honi chahiye kyunki 1/3 jo hai reserved division hai women's ke liye. Okay? See, this is a Gram Panchayat meeting. Is tarah se jo important members hote hain gaon ke unke sath important cheezon par discussion hota hai. क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब ग्राम पंचायत क्या ड्यूटीज़ करती है या उनको क्या क्या काम करने होते हैं, आइए देखते हैं. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली टू डिस्कस द इश्यूज़ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेज. इट टेक्स वेरियस स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द विलेज. सम ऑफ दीज आर बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड रिपेयरिंग ओल्ड वंस. यानी नई सड़कें बनाना और पुरानी सड़कें जिनकी हालत ख़राब है उनको ठीक करना.
टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। गांव में स्कूल खुले, अस्पताल खुले, ताकि लोगों का जो है देखभाल हो सके, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी देखना का काम उनका है। गांव साफ सुथरा रहे, बीमारियों से मुक्त रहे, क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहे, ये भी देखना ग्राम पंचायत के काम में आता है। फार्मर्स टू लर्न बेटर वे टू ग्रो क्रॉप्स। जो गांव के लोग हैं वो खेती पे ही निर्भर करते हैं, तो खेती को किस तरह से बेहतर किया जा सके, फसल की क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव हो सके, ये भी ग्राम पंचायत ही कोशिश करता है देखने की। टू इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट्स एंड डिगिंग वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाना और कुएँ खुदवाना, ताकि उन कुओं से साफ पानी जो है यूज़ किया जा सके, गाँव के लोगों को पानी की समस्या ना आए। टू सेटअप डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कैंप एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे मेडिकल कैंप या डिस्पेंसरीज का होना भी उतना ही ज़रूरी है। इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को कहाँ से इनकम मिलती है, इतना सारा जो काम करती है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। स्कूल खोलना है, कुआं बनवाना है, सड़क ठीक करनी है, इन सब के लिए पैसा चाहिए, तो ये इनकम कहाँ से आती है। द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डू ऑल द वेलफेयर एक्टिविटीज़। It gets money from taxes the people pay for using roads, houses, land, electricity and water. जो पैसा हम टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को देते हैं उसी से इनका खर्चा चलता है, ठीक है। It also gets money from state government as granting aid. State government भी एक particular amount जो है विकास के लिए देती है, यानी गांव की उन्नति या गांव की बढ़ोतरी के लिए एक अलग से अमाउंट जो है पर्टिकुलर गांव को देती है कि आप इस पैसे को खर्च करके अपने गांव में जो भी काम है उसको आगे करते रहिए। ओके, नाउ व्हाट ऑल वी लर्न इन दिस चैप्टर। रूरल, रूरल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू विलेजेस। एंड देन वी केम अबाउट टू नो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज़ ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द विलेजेस। जैसे शहरों में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसी तरह विलेजेस में ग्राम पंचायत होता है। लेट्स क्विकली लुक ओवर। अ विलेज हैज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारी इंडिया में विलेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एवरी विलेज इज अ लोकल गवर्निंग बॉडी कॉल्ड ग्राम पंचायत। इट प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज टू पीपल। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द प्रधान और सरपंच। ओके, आइए अब एक्सरसाइजेस करते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। चीफ मिनिस्टर, सरपंच, ग्राम सभा, नन ऑफ दीज। सो ग्राम सभा, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द ग्राम पंचायत मेंबर्स। ओके, ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं। सेकेंड, द ग्राम पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस। ग्राम पंचायत को टैक्स के थ्रू मनी मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कभी कभी ग्रांट इन एड, यानी कुछ ना कुछ पैसा देती रहती है। थर्ड, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, या फिर प्रधान भी बोलते हैं। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सरपंच भी बोलते हैं, प्रधान भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ, अ पर्सन हु इज डैश ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन वोट। जिस भी व्यक्ति की एज यानी उम्र 18 या उससे ज़्यादा है वो इंसान वोट कर सकता है, राइट। सो 18 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन, विलेजेस आर एन डैश पार्ट ऑफ अवर कंट्री। विलेजेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कंट्री। ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसको हम देश से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो हमारी कंट्री का है वो विलेजेस में ही बसता है, यानी गाँव में ही बसता है। Let's move further, children. Now we have fill in the blanks. The early humans used to move from one place to another in search of food and shelter. ठीक है, खाने के लिए और सर छुपाने के लिए, यानी shelter के लिए. So food and shelter. Second, the dash is responsible for improving the lives of people in rural areas, the gram panchayat. Okay, the gram panchayat. Third, every village in our country has a gram panchayat और पंचायत भी बोल सकते हैं आप।
The Gram Panchayat needs money to do all the necessary work or work assigned to them. तो हम work लिख देंगे all the work. Fifth, the Gram Panchayat gets money from taxes. ज़्यादातर पैसे जो है tax से मिलता है, जो बचा खुचा है वो state government भी दे देती है. Okay? Now let's do exercise number C. Write whether the following statements are true or false. इनमें से कौन से statement सही है और कौन से गलत है. आइए देखते हैं. First one, villages have shopping malls. No, this is false. In many villages, people live in caves. No, this is false. Third, early women lived in bungalows. No, galat. Fourth, Gram Panchayat helped to establish schools and healthcare facilities. Yes, true. ये मदद करती है. Fifth, Gram Panchayat also gets money from villagers and grant in aid. No, this is wrong. Villagers से नहीं, state government से. So, this is false. All right, children. So, I hope that you have noted down all these answers. आपने सभी answers को ध्यान से note कर लिया होगा. All right. Now, let's move further. आगे बढ़ते हैं. Now, we have question and answers. You have to do these questions on your own. Like, how is Gram Panchayat elected? The members of Gram Sabha elect the members of Gram Panchayat. Second, what is the basic need of people living in villages? Some of the basic needs of villages are safe drinking water, healthcare facilities, pakka roads and proper school facilities, medical facilities. These are the important basic needs. Third, write the functions of Gram Panchayat. Gram Panchayat ke bahut sare functions hain. Providing safe drinking water, maintenance of street lights, repairing and constructing new roads, repairing old roads and constructing new roads, then providing healthcare facilities, helping the people to resolve disputes, agar koi jhagda ho gaya hai usko solve karwane mein, bahut tarah tarah ke functions jo hai Gram Panchayat fulfill karti hai. Fourth, how Gram Panchayat gets his income? Gram Panchayat gets his income from the taxes paid by the people and also certain amount is given by the state government as grants in aid. Fifth, what did the early men learn with time? Early men learned with the passage of time to grow food. Once they started growing food, they started settling down near the rivers in small groups. These small groups grew and turned into villages. Sixth, define the term Gram Panchayat. Gram Panchayat is the highest governing body of village. Every village in India has a Gram Panchayat. It has 5 members and moreover the head of the Gram Panchayat is known as Sarpanch. 1/3 of the Gram Panchayat members has been reserved for women. Okay, so ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है. आई हैव जस्ट गिवन यू द हिंट्स. मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा मदद किया है. आंसर्स आप खुद लिखेंगे अपने बुक और नोटबुक्स में. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन विद दिस हेल्प एंड विद द हेल्प ऑफ योर बुक यू वुड बी इजीली एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स. दिस इज़ टू बी डन बाई यू. सो विद दिस वी फिनिश टूडेज चैप्टर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ विलेजेस वर्क इन इंडिया. किस तरह से गाँव में काम होता है, कैसे कैसे गांव के जो ज़रूरतें हैं उसको ग्राम पंचायत पूरा करती है. ओके, सो आई विल मीट यू अगेन सून विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक. स्टे ट्यून्ड फॉर अ न्यू वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.